दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से खूंखार जानवर देखे होंगे जो अपने साथ के दुश्मन से ही पंगा लेते हैं, लेकिन यहाँ सारे ही जानवर एक ही शिकार के पीछे पड़ गए हैं। आखिर ये मासूम शिकार है कौन? क्या ये आसानी से इनके हाथ लग जाता है, या फिर इन शिकारियों को मुंह की खानी पड़ती है? ये शिकार सिर्फ इसे ही क्यों अपना निशाना बनाए हुए है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। इस मासूम जहरीली शिकार का नाम है मधुमक्खी। पूरा जंगल इसी के पीछे पड़ा है, क्योंकि इसके पास वो खजाना है जो किसी के पास नहीं, यानी मीठा मीठा शहद। इसी के चक्कर में सब इसको पकड़ लेते हैं। नंबर वन, हॉक वर्सेस हनीबी। बाज के चाहे हाथ जानवर लगे या पक्षी, फिर मधुमक्खी और उसका स्वादिष्ट भोजन ये किसी को नहीं बख्शता। यहां इस बाज ने मधुमक्खी के छत्ते को देख लिया है, और अब ये देखिए कितनी रफ्तार से ये इस पर हाथ मारने के लिए जा रहा है। ये मधुमक्खियां इस बाज को पीछे हटाने के लिए इस पर अपना वार तो करती हैं, लेकिन इस पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि इसने अपने शरीर पर इन दमदार पंख की मदद से इन्हें छुपा रखा है। इसलिए ये मधुमक्खी भी परेशान होकर अपना सारा खाना इसको दे देती है, लेकिन ये मधुमक्खियां बात तक हार नहीं मानती और अपना गुस्सा निकालने के लिए बर्ड के बच्चों को ही अपना निशाना बनाती हैं और लगातार उन पर वार करती रहती हैं, जिससे ये छोटे बच्चे जल्दी से इस दुनिया से रवाना हो जाएं। वाकई ये मधुमक्खियां तो बड़ी ही शातिर शिकारी हैं। नंबर टू, बिया वर्सेस हनी बी। अगला मुकाबला होने वाला है भालू और मधुमक्खी के बीच। ये भालू यहां शहद की खुशबू सूंघते हुए आया है। जब शहद की खुशबू इसकी नाक में गई तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये तुरंत इसी तरह भागा भागा चला आया। इसी जोश में इसने मधुमक्खियों का छाता भी तोड़ डाला, लेकिन जब मधुमक्खियों ने ये गुस्ताखी देखी तो इनका पारा गर्म हो गया और हजारों की तादाद में ये मधुमक्खियां भालू पर झपट पड़ी, जिसके चलते भालू बिना लंच खाए ही वहां से फरार हो गया। यहाँ ये भालू अभी सिर्फ 9 महीने का है, इसलिए इस नादान को पता नहीं कि मधुमक्खियों का आतंक कैसा होता है। ये भी यहाँ छत्ते को देखकर ही आया है, लेकिन ये भी शहद खाने में नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद इसकी मम्मी यहाँ आती है और शहद पर हाथ मार देती है और तुरंत ही वहां से एक शहद का टुकड़ा उठाकर चल देती है। इसे कहते हैं नारी जो है सब पर भारी। नंबर थ्री, हनी बी वर्सेज हनी बैजर। अगर जंगल की दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा शिकारी कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हनी बेजर, जो अपने शिकार की तलाश में जमीन के नीचे तो क्या कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ ये हनी बेजर शहद की जुगाड़ में आया है। यहाँ इसको पता चल चुका है कि पेड़ के अंदर शहद छुपा कर रखा गया है, इसलिए ये सीधा पेड़ पर ही हमला बोल देता है और एक शहद के टुकड़े पर लगी मधुमक्खियों को हटाकर उसे मुंह में रख जाता है। यह हनी बेजर बड़ा ही शातिर था। इसने छोटे मोटे लंच पर हाथ नहीं मारा, बल्कि ये पेड़ के उस जगह गया जहां इसे बहुत सा खजाना मिलता है, लेकिन यहां मधुमक्खियों का आतंक फैला था। लेकिन हनी बेजर ने अपनी मजबूत स्किन के दम पर यहां से भी थोड़ा तो बहुत शहद बटोर ही लिया। नंबर फोर, बबून वर्सेज हनी बी। अब बारी है लंगूर महाराज की। चलिए देखते हैं कि क्या ये भी अपने मिशन में कामयाब होते हैं, या फिर इन्हें भी शहद के बजाय डंकों का मजा उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ नदी किनारे लंगूरों के बीच पंगा हो जाता है, जिसे देख एक लंगूर अपने सारे घर वाले को आगाह कर देता है और सारे ही लंगूर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इन लंगूरों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ देर में ये लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन कोई भी इस बूढ़े लंगूर को हरा नहीं पाता, बल्कि इस सारा मारामारी में छोटा सा बेबी लंगूर इस दुनिया से रवाना हो जाता है, जिसके बाद एक लंगूर खाने के जुगाड़ करने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। चलते चलते इसे गड्ढा दिखाई देता है जिसमें था बहुत सारा खजाना, यानी शहद। ये देखकर लंगूर का गुस्सा शांत हो जाता है
और वो इस गड्ढे के अंदर हाथ डालकर इसमें से शहद बाहर निकाल लेता है और मुंह में रख कर जाता है। जब इसका इतने शहद से मन नहीं भरता तो ये दोबारा और शहद ले जाता है और फिर मजे से पेट भर कर अपने घर निकल लेता है। नंबर 5, वास्प वर्सेस फ्रॉग। ये वास्प भी किसी से कम नहीं होती, बल्कि ये भी अपने शिकार को मार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ ये मेढक अपने अंडों को सेफ्टी से रखे हुए था और इन्हीं के पास बैठा भी था कि कहीं कोई इसके अंडे को खा ना जाए। तभी एक मधुमक्खी आ जाती है और उसके अंडे के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। अंडे इतने सारे थे और मेढक सिर्फ एक, इसलिए मधुमक्खी मौके पर चौका मार देती है और इस अंडे के कवच को तोड़ देती है, जिसके चलते ये बच्चे को बाहर निकाल कर लाती है। लेकिन मेढक इस पर ऐसा वार करता है कि मधुमक्खी की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन ये मधुमक्खी दोबारा अंडे पर हमला बोल देती है और इस बार भी मेढक अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके इसे भगा देता है। पर यह वास्प इसी मेढक से लड़ना शुरू कर देती है, जिस पर यह मेढक वास्प को अपने जबरदस्त हमले से हरा देता है और अपने बच्चों को बचा लेता है। नंबर 6, हनी बी वर्सेस पायथन। यहां ये अजगर बड़े ही आराम से पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये मौत के मुंह में यानी मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे सो रहा है। इसलिए तो मधुमक्खी ने इस पर हमला बोल दिया और बेचारे नागराज को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब इतनी मधुमक्खी के सामने एक अकेले सांप की कहां चल पाती, इसलिए बेचारा आसानी से इनका शिकार हो गया और ऐसे ही इनके जहरीले डंक का स्वाद लेते लेते इस दुनिया से चल बसा। आगे ऐसे ही खतरनाक हमले देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। नंबर 7, बी वर्सेस हनी बी। यहाँ ये भालू शहद के चक्कर में जंगल में घूम रहा है, लेकिन इसका पाला पड़ता है येलो वास्प से, जो बहुत बड़ी बड़ी और सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन इनका शहद पीना इतना आसान नहीं होता, बल्कि पहले इनके डंक का मजा चखना पड़ता है, तब जाकर इनका शहद हाथ लगता है। ये भालू भी इसी जुगाड़ में लग गया और देखिए कैसे इस भालू को इन मधुमक्खियों ने घेर लिया। और वाकई ये मधुमक्खियां तो बड़ी ही खतरनाक हैं। नंबर 8, हनी बी वर्सेस बियर। भालू की पसंदीदा फूड शहद ही है। जब भी ये भालू जहां कहीं भी मधुमक्खियों को देखता है तो उनके शहद पर झपट्टा मार देता है। यहां ये भालू इस डब्बे के पास आ जाते हैं, जब इन्हें शहद की खुशबू लगती है तो ये इसके साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार शहद का छत्ता ढूंढ निकाल ही लेते हैं। फिर तो आप जानती हैं कि भालू शहद को कितने शौक से खाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा शिकार सबसे खतरनाक और दर्दनाक, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।